नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री एनर्जी के बारे में। हम घर पर कैसे फ्री एनर्जी बना सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। देखिए, मैंने पहला पार्ट बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि फ्री एनर्जी कैसे बनता है, और आज हम बात करेंगे कि फ्री एनर्जी हम जो बनाएंगे उससे हम बैटरी भी चार्ज करेंगे और मोटर भी चलाएंगे। यह देखिए एक बैटरी है। जैसे पहले पार्ट में मैंने बस चला कर दिखाया था, बैटरी चार्ज करने का तरीका नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम बैटरी चार्ज भी करेंगे इसी से, और इसी से हम मोटर भी चलाएंगे और फ्री एनर्जी हम प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए पहले कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा मोटर लिए हैं और यह सीडी का कैसेट लगा दिए हैं जिससे यह बैलेंस बना रहे। अब देखिए, जैसे एक बार इसे अगर हम चला दे रहे हैं तो देखिए कितना देर तक यह चलेगा। ठीक, तो इसलिए यह बैलेंस बनेगा। और उसके बाद यहाँ से हम इस मोटर से हम लाइट प्राप्त करेंगे। यह 12 वोल्ट का मोटर है और यह 6 वोल्ट का मोटर है, तो यह कम खींचेगा लाइट और यहाँ से ज़्यादा हमें लाइट मिलेगा। तो पहले हम इसे लगाएंगे पट्टा। देखिए पट्टा लग गया, अब यह पट्टा लग गया। ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर बैटरी का सप्लाई जब दे देंगे तो यह चलने लगेगा। देखिए देखिए, अब यहाँ से हम एलईडी जब जलाएंगे तो यह देखिए एलईडी जलने लगेगा। देखिए जलने लगा ना। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले बात को समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायोड जोड़ेंगे। डायोड जोड़ने का काम यह है कि लाइट वापस बैटरी का मोटर पे ना जाए। ठीक, तो हम सबसे पहले जोड़ेंगे यहाँ पर डायोड। डायोड जोड़ा गया हमारा। आप एक बार घर पर बनाकर चेक जरूर करिएगा। देखिए, इस मोटर का प्लस पॉइंट यह है, यह डायोड का प्लस है, यह है माइनस। ठीक, समझ में आ गया। मोटर का यह माइनस पॉइंट है, यह प्लस पॉइंट है। तो प्लस वाले पर हमने डायोड जोड़ा है, और कैपेसिटर का देखिए यह प्लस होता है या माइनस होता है। यह आप 220 माइक्रोफारेड 25 वोल्ट का यूज कर सकते हैं, और अगर आप 25 वोल्ट का ही यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे आपको 10 वोल्ट का भी यूज कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखिए 220 माइक्रोफारेड 25 वोल्ट का यूज करना है। यह इसका माइनस होता है या इसका प्लस होता है। तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इससे यह रहेगा कि यह कैपेसिटर भी चार्ज होता है, लाइट का संतुलन बनाए रखेगा। यह जुट गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यह हो गया हमारा प्लस का वायर। देखिए यह हो गया प्लस का वायर। तो हम इसे प्लस में जोड़ेंगे।
यह बहुत बढ़िया काम करेगा। आप निश्चिंत होकर एक बार घर पर बनाकर आप अपना ट्राई जरूर करिएगा। और यह हो गया माइनस, यह हो गया प्लस, यह हो गया माइनस। और अब देखिए यह बैटरी का, यह बैटरी का माइनस पॉइंट है तो हम माइनस में इसे जोड़ देंगे। और यह बैटरी का प्लस पॉइंट है तो हम प्लस में जोड़ देंगे। बात समझ में? अब देखिए मोटर नहीं चला क्योंकि यह डायोड लगा है, यह उल्टा सप्लाई को नहीं देगा। मोटर से सप्लाई निकलेगा, जो यहाँ पर लाइट बनेगा वह लाइट आएगा इस पार, लेकिन इस पार से उस पार लाइट नहीं जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम मोटर को इसे जोड़े देंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यह जो सप्लाई यहाँ से बैटरी, पहले देखिए समझ में आया, इस बैटरी से हम चला रहे हैं मोटर। ठीक, तो मोटर चल रहा है तो यह मोटर जब दूसरा मोटर चलेगा तो यहाँ से लाइट बनेगा और लाइट बनकर यहाँ पर फिर बैटरी में आएगा। और यहाँ से हम लाइट यूज भी कर सकते हैं और हमारा बैटरी भी चार्ज होता रहेगा और हम यहाँ से लाइट भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा मोटर भी चार्ज होता रहेगा और हम इसे अपना यूज भी कर सकते हैं। देखिए ठीक, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए यह दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया से। और इसमें कई एलईडी फ्यूज भी हो गया है, जैसे मैं यह सब चेक करता रहता हूँ तो उसी में फ्यूज भी हो जाता है। देखिए ठीक, तो हम इससे यूज भी कर सकते हैं और यह हमारा बैटरी चार्ज भी होता रहेगा। बहुत सिंपल है, आप एक बार फिर समझ लीजिए। हमने बैटरी से सप्लाई दिया मोटर में, मोटर चलने लगा और जब दूसरा मोटर यहाँ से चला तो यहाँ से लाइट निकला, लाइट आने के बाद में यहाँ से बैटरी भी चार्ज हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। और आप इसे बनाने के लिए आपको यह बैलेंस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका यह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस बैलेंस की वजह से ही चलता है। देखिए बैलेंस का इसमें कितना रोल है। अब यहाँ से मैं अगर लाइट का कनेक्शन निकाल दे रहा हूँ, लेकिन देखिए उसके बाद भी कितना टाइम तक यह चलेगा। देखिए देखिए यह है बैलेंस का कमाल। तो आप बैलेंस जब लगाएंगे तभी यह कामयाब होगा। अब आप इसे घर पर बनाइएगा और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। यह बहुत मैंने मेहनत करने के बाद में यह दिमाग लगाया है, यह मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँचता रहे। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यह है बैटरी 10 वोल्ट का, तो यह पूरा फुल नहीं चार्ज है क्योंकि 10 नहीं 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, तो यह बैटरी पूरा फुल नहीं चार्ज है। आप यहाँ पर 9 वोल्ट का ही बैटरी लगाएं, क्योंकि हम यह मोटर 6 वोल्ट का है तो यह पूरा फुल नहीं चार्ज रहेगा,
क्योंकि इसमें से आता जाता रहेगा लाइट। समझ में आ गया? जैसे अगर फुल इसे पूरा चार्ज करके आप जब लगाएंगे तो मोटर 6 से 12 वोल्ट से भी चलेगा। 6 से 12 वोल्ट का यह मोटर होता है। आप इसे 6 वोल्ट से भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट से चला सकते हैं। तो आपको 9 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगाना है। तो देखिए 9 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से यहाँ मोटर पर गया, मोटर से फिर जब यह मोटर चलने लगा डायमो, तब यहाँ से फिर लाइट आया। तो यह लाइट भी दे रहा है, इस समय 9 से 10 वोल्ट लाइट दे रहा है। तो 9 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट इसमें लाइट आएगा, 9 वोल्ट 10 वोल्ट लाइट आएगा। यह 9 से 10 वोल्ट ही लाइट देगा, इससे ज़्यादा यह लाइट नहीं देगा। यहाँ पर चार्ज भी होता रहेगा और यह चलता रहेगा। अगर आपको बड़ा मोटर में बनाना है तो आप 12 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे, छोटा मोटर में बनाना है तो आप 9 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे। अगर आपको इससे छोटा मोटर में बनाना है तो आप 6 वोल्ट का बैटरी यूज करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।